Good evening all, this is Byomkesh Meher. I welcome all of you in this An Academy Studio Rise. आप सब लोगों को मेरे तरफ से प्यार भरे स्वागत. And today I am going to discuss about a topic that is Indian National Army, Azad Hind Fauj, Indian National Army. That was initially created by Captain Mohan Singh. बाद में this was continued by Subhash Chandra Bose. तो आज बताइए, before starting the topic, Subhash Chandra Bose gave three famous slogan given by the Subhash Chandra Bose. आप लोग मुझे मैसेज में पहले बताइए कौन कौन सा स्लोगान सुभाष चंद्र बोस ने दिए थे. तीन फेमस स्लोगान गिवन बाय सुभाष चंद्र बोस. और एक क्वेश्चन पुट अप कर रहा हूं. सुभाष चंद्र बोस क्रिएटेड 4 फाइटिंग ब्रिगेड्स, 4 लड़ाकू दल उन्होंने बनाया था. 4 फाइटिंग ब्रिगेड्स, किनके नाम पे वो 4 फाइटिंग ब्रिगेड्स था? The fighting brigades were named after whom? Who were the 4 person जिनके नाम पे 4 fighting brigades बनाए थे? बताइए. ठीक है, तब तक मैं शुरुआत करता हूँ. Indian National Army, it's a very beautiful topic. आप सब लोग आ गए हो? Okay, so let's begin with the topic. एंड ये मेरा एक मान सकते हो फेवरेट टॉपिक भी है, और सुभाष चंद्र बोस के बारे में आप सब लोग जानते ही हैं, है ना? तो ही इज़ कंसिडर्ड टू बी द वन ऑफ द ग्रेटेस्ट लीडर और फ्रीडम फाइटर ऑफ इंडिया. और ही वाज अपने टाइम पे, सुभाष चंद्र बोस जो है, सिविल सर्वेंट भी थे. सच बताऊं, उनके बारे में थोड़ा सा मैं बता देता हूँ, देन आई विल कम टू द टॉपिक. कि सुभाष चंद्र बोस इन द ईयर 1938 में ही बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ INC, इंडियन नेशनल कांग्रेस का अध्यक्ष बने थे. एंड उनका काम, उनका परफॉर्मेंस जो है बहुत ज़बरदस्त हो रहा था. लोगों में बहुत पॉपुलैरिटी मिल रही थी उनको, सुभाष चंद्र बोस को. दोबारा से लोगों ने डिमांड किया कि इन द ईयर 1939 में ही री इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ INC, इंडियन नेशनल कांग्रेस. तो उनका पॉपुलैरिटी इस मुकाम पे था कि सब लोगों ने उनको सपोर्ट किया और कहने लगे कि दोबारा उनको 1939 में प्रेसिडेंट बनाया जाए. उस टाइम पे महात्मा गांधी जी ने स्ट्रांगली अपोज किए थे सुभाष चंद्र बोस को, और उन्होंने उनके खिलाफ रख दिया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को. तो आफ्टर strong opposition by Mahatma Gandhi, Subhash Chandra Bose gave resignation from the post of the presidency from INC, and he created a separate party. उस पार्टी का नाम था फॉरवर्ड ब्लॉक. बाद में फॉरवर्ड ब्लॉक जाके शामिल हो गया था इंडियन नेशनल आर्मी में, इंडियन INA में, इंडियन नेशनल आर्मी में. ठीक है, तो उससे पहले जो शुरुआत हुई थी, देखो उससे पहले 1942 में क्रिप्स मिशन आया था, क्रिप्स प्रस्ताव आया था, प्रपोजल ऑफ द क्रिप्स मिशन. क्रिप्स प्रस्ताव में क्या था? सर स्टेफर क्रिप्स वांटेड द सपोर्ट ऑफ इंडिया अगेंस्ट द जापान. बट यहां पर जिस प्रस्ताव को कहा जाता है क्रिप्स प्रस्ताव, तो उसको इंडियन नेशनल कांग्रेस ने सपोर्ट नहीं किए थे बिकॉज ऑफ 2 मेन रीजन. फर्स्ट ऑफ ऑल इंडियन सपोर्ट नहीं करने का मकसद ये था क्रिप्स मिशन को कि पहला चीज़ तो ये है कि इंडिया डजेंट वांट टू बी द एनिमी कंट्री ऑफ जापान, जापान का शत्रु देश नहीं होना चाहते थे. सेकेंड चीज़ है, इंडिया डजेंट हैव ट्रस्ट इन ब्रिटिशर, ब्रिटिशर के प्रति भरोसा ही नहीं था. दैट वॉज द रीजन दैट क्रिप्स मिशन वॉज एंडेड इन फेल्योर. इवन महात्मा गांधी क्रिप्स मिशन को बताए थे एज ए पोस्ट डेटेड चेक, ऐसा चेक जो केवल सपना दिखा रहा है, हकीकत होगा या नहीं होगा किसी को भरोसा नहीं है. So anyway, so these are the top educator, those who are in On Academy. रोमन साइनी सर हैं, सुदर्शन गुज्जर सर हैं, मृणाल पटेल सर हैं, जो आप लोगों को हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स हर एक सब्जेक्ट में पढ़ाएंगे। एंड ये है सब्सक्रिप्शन चार्जेस, जो 8,000 पर महीना, बट एक साल का करोगे तो आपको केवल 40,000, दैट टू बी BM लाइव आप कर देते हैं, BM लाइव, तो आपको 36,000 में मिल जाएगा। और दोज हू आर द बिगिनर, 2 साल का सब्सक्रिप्शन करते हो तो बेटा आपको मिल जाएंगे 64,000 में, ठीक है। और जिसमें 30 आवर के लाइव क्लासेस होंगे, मोर देन 77 एजुकेटेड आर देयर। और आपको एवरी मंथ हर एक नया कोर्स का पब्लिश होगा। और आज का डेट तो बेटा ज़माना तो है ऑनलाइन का है, ऑफलाइन में वो इतना बेस्ट फैकल्टी नहीं मिलेंगे जितना बेस्ट फैकल्टी सारे जो है ऑनलाइन में ज्वाइन कर चुके हैं, और ऑनलाइन में ही आपको सारा चीज़ मिलेगा। और सबसे बढ़िया चीज़ है, पैसा कम है और घर बैठे बैठे, लाइब्रेरी में बैठे बैठे आप पढ़ सकते हो, कभी भी कहीं भी, दैट इज़ द प्लस पॉइंट। तो आप समझदार हो, आपको बोलने की ज़रूरत नहीं है, आपको जो अच्छा लगता है वो करोगे डेफिनेटली। अब आता हूँ टॉपिक पे, तो ये है मोबाइल पे इस तरह BM लाइव कर दोगे तो 40,000 का आपको 36,000 में मिल जाएगा, 10% डिस्काउंट मिल जाएंगे मेरे नाम पे BM लाइव पे, ठीक है। तो अब देखो क्रिप्स मिशन क्या हुआ था, उसके बारे में थोड़ा सा मैं बता रहा हूँ, देन आई कम टू द IMC, ठीक है बेटा। देखो क्रिप्स मिशन सर स्टेपर क्रिप्स लाए थे 1942 में, जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हो रहा था। जापान ऑलमोस्ट कैप्चर साउदर्न एंड ईस्टर्न नेबरिंग कंट्री। टू स्टॉप द जापान, क्रिप सर स्टेपर क्रिप एक प्रस्ताव लेके भारत आए थे कि दे वांट द सपोर्ट ऑफ इंडिया अगेंस्ट द जापान, बट दिस प्रपोजल वाज नॉट एक्सेप्टेड बाय इंडियंस बिकॉज वी डजंट वांट टू बी द एनिमी कंट्री ऑफ जापान। एंड ऑल्सो उस टाइम पे मतलब यहाँ पर कंडीशंस भी रखा था कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद हम लोग आप लोगों को आज़ादी देने का प्रोबेबिलिटीज़ है, नॉट आज़ादी एक्चुअली वो लोग देने की बारे में सोच रहे थे, डोमिनियन स्टेटस। तो यहाँ पर एक फ़नी सा चीज़ हुआ था कि डोमिनियन स्टेटस की मांग करो, हम लोग तो 1929 में पूर्ण स्वराज की मांग किए हैं, तो डोमिनियन स्टेटस तो सवाल ही नहीं उठता। तो द क्रिप्स प्रपोजल वॉज नॉट एक्सेप्टेड बाय द इंडियंस विच रिजल्टेड द फेलियर ऑफ द क्रिप्स प्रपोजल। एंड द मेन प्रपोजल दैट क्रिप्स मिशन हैज़ गिवन, ये मेन प्रपोजल था कि आज़ादी के बाद जो है डोमिनियन स्टेटस दिया जाएंगे, कंस्टिट्यूशनेंट असेंबली का फॉर्म्ड होगा, ब्रिटिशर उनमें सपोर्ट करेंगे, और डिफेंस में धीरे धीरे जो है सारा जो है इंडियंस को दे दिया जाएगा। ये सब जो चीज़ें था क्रिप्स प्रपोजल में, बट क्रिप्स प्रपोजल को इंडियंस ने एक्सेप्ट नहीं किया था, क्योंकि ये फिर से जो है हिंदू मुस्लिम को डिवाइड करने की बात कर रहा था, डोमिनियन स्टेटस देने की मांग कर रहा था, पूर्ण स्वराज की मांग नहीं कर रहा था। ये सब रीज़न की वजह से क्रिप्स मिशन जो है फेल हुआ था। मैंने पूरा डिटेल में क्रिप्स मिशन के बारे में वीडियोस बना चुका हूँ, अपलोड कर चुका हूँ, आप डिटेल में उसको देख सकते हो, ठीक है। तो इसलिए मैं क्रिप्स मिशन को अभी ब्रीफली मैंने बता दिया था, ठीक है। ऑलरेडी आई हैव मतलब अपलोड वीडियोस अबाउट द क्रिप्स मिशन। तो हाँ, जो बचा हुआ था इंडियन नेशनल आर्मी, आज़ाद हिंद फौज जिसको कहा जाता है, ठीक है। देखिए आज़ाद हिंद फौज के बारे में देखो कि सुभाष चंद्र बोस वॉज बॉर्न ऑन 23 जनवरी 1897 एट कटक। ये सटक नहीं है बेटा, ये कटक है। कटक कहाँ पे है बेटा, बताओ किसको पता है कटक कहाँ पे है, बताइए, जरूर बताइए कटक कहाँ पे है। आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर। कटक है, देखो कटक है उड़ीसा में, प्रीवियस कैपिटल ऑफ उड़ीसा। कटक जो है उड़ीसा का राजधानी था, प्रीवियस कैपिटल था। एंड अभी भुवनेश्वर है। तो दिस इज नॉट सटक, सटक नहीं है, इट स्पेलिंग लाइक सटक, CUTTACK, बट इट्स प्रोनाउंस लाइक कटक के, ठीक है। कटक दैट इज द प्रीवियस कैपिटल ऑफ ओडिशा, उड़ीसा में है। तो ही वॉज बॉर्न इन कटक, बट वेस्ट बंगाल वाले हमेशा डिमांड करते हैं कि सुभाष चंद्र बोस जो है वेस्ट बंगाल में है, एक्चुअली जन्म हुए थे कटक में, बट मतलब जो सब कुछ जो परवरिश हुई थी वो वेस्ट बंगाल, सॉरी दैट इज़ वेस्ट बंगाल में, हाँ वेस्ट बंगाल में। तो सुभाष चंद्र बोस का जो 23 जनवरी है वो ओडिशा का भी हॉलीडे होता है और वेस्ट बंगाल का भी हॉलीडे होता है। कोई अच्छा इंसान कहीं से भी रिलेशन होता है ना, सब लोग अपना ही मानते हैं, लेकिन उस केस में कोई बुरा इंसान होता है तो सब लोग बोलते हैं कि ये अपना स्टेट का नहीं है। अगर ये टेररिस्ट होते तो उड़ीसा भी मना करते और वेस्ट बंगाल वाले भी मना करते, बट एज ही वाज द ग्रेट पर्सनालिटी ऑफ इंडिया, तो कटक भी और मतलब उड़ीसा भी और वेस्ट बंगाल दोनों ही उनका 23 जनवरी को छुट्टी मनाते हैं, अपना मानते हैं। तो एनी वे ही इज़ बॉर्न इन कटक बट brought up in West Bengal, ठीक है। Alright, he passes the Indian civil servant examination in 1920, but in 1921 left it on the Gandhiji call of non-cooperation movement। ध्यान रखिए, ये important चीज़ है। सिविल सर्विस जब जो है उसके बारे में आप लोगों को क्या बताऊँ, आप लोग तो खुद स्टूडेंट एस्पिरेंट हो सिविल सर्विस के बारे में। तो देखो तब से लेकर 1920 से लेकर अभी कितना 2020 हो गया, 100 साल हुआ। द क्रेज अबाउट सिविल सर्विस एग्जामिनेशन कभी कम नहीं पड़ा है। मतलब एक फनी चीज है, 1920 से लेकर 2020 तक 2020 तक 100 साल हो गया, उस टाइम पे भी सिविल सर्वेंट एग्जामिनेशन सर्विस एग्जामिनेशन वाज कंसिडर्ड टू बी द टफेस्ट एग्जामिनेशन, नंबर 1 एग्जामिनेशन ऑफ इंडिया, और प्रेजेंटली भी एशिया का सबसे टफेस्ट एग्जामिनेशन माना जाता है इंडियन सिविल सर्विस एग्जामिनेशन। आप लोगों को पता होगा, नॉट ओनली इंडिया, एशिया का सबसे टफेस्ट एग्जामिनेशन, दिस इज कंसिडर्ड द मदर ऑफ ऑल द कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। आप उस चीज़ की तैयारी कर रहे हो, फर्स्ट ऑफ ऑल तो तैयारी कर रहे हो वो भी बड़ी चीज़ है, क्योंकि सब लोग सोच नहीं पाते हैं तैयारी करने के बारे में। तो मतलब देखो, मेरे कहने का मतलब है बेटा, बहुत सारे जैसे कि बीच में बहुत एमबीए करने वाले आए थे, बीच में आईटी सेक्टर का पूरा ज़बरदस्त बूम था, एमबीए करने वालों का ज़बरदस्त बूम था, सीए करने वालों का ज़बरदस्त बूम था, और देखो जैसे कि एमबीए करने वालों का बीच में ज़बरदस्त बूम था। जितने भी एमबीए किए थे बहुत अच्छे अच्छे जगह पे प्लेसमेंट हुआ, धीरे धीरे वो डाउनफॉल हो गया। बीच में सॉफ्टवेयर आईटी में इतना ज़्यादा बूम था, ज़बरदस्त था, फॉरेन प्लेसमेंट होती थी, फिर धीरे धीरे वो डाउन चला आया। बीच में सीए वालों का बहुत ज़बरदस्त था, फिर डाउन चला आया। बट सिविल सर्विस एक ऐसा पोस्ट है मतलब हमेशा बूम पे है, डाउन कभी हुआ ही नहीं है। सो ये अच्छी बात है, मतलब सालों साल से जो पी 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 की बात करते हैं ना, पी फॉर प्रेस्टीज, पी फॉर पावर, पी फॉर पैसा, पैसा भी मिलता है, पी फॉर प्रॉस्पेरिटी, पी फॉर पीस, पी फॉर प्रोग्रेस। तो पी 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 वाला जो चीज़ें है ना वो हमेशा मतलब चाहे पीस हो, चाहे प्रॉस्पेरिटी हो, चाहे प्रोग्रेस हो, चाहे पैसा हो, चाहे पावर हो, तो ये सब जो है बेटा सिविल सर्विस आपको दिलाएगा। तो उस चीज़ के लिए 10-12 घंटा का मेहनत तो बेटा बहुत कम है। मैं हमेशा बच्चों को बोलता हूँ बेटा 12 घंटा का मेहनत तो 12 आवर्स पढ़ाई तो दिन में होना चाहिए, ठीक है, डेफिनेटली होना चाहिए, इतना तो बनता है, क्योंकि ये आज भी टफेस्ट एग्जामिनेशन में काउंट होती है, तो इतना तो मेहनत बनता है। एनीवे, सो 1920 में हुए थे सिविल सर्वेंट, बट 21 में ही उन्होंने अपना जॉब छोड़ दिया था, क्योंकि गांधी जी उस टाइम पे डिक्लेयर कर दिए थे 20 से 22 के बीच में असहयोग आंदोलन, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का जो चीज़ें था, स्वदेशी चीज़ों का इस्तेमाल एवं विदेशी चीज़ों का बहिष्कार, तो जिसमें वही चीज़ें रिपीट हुई थी। जितने भी टीचर्स एंड प्रोफेसर दोज वर वर्किंग इन द ब्रिटिश स्कूल एंड कॉलेजेस दे गिव द रेजिग्नेशन, जितने भी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज थे दे गिव द रेजिग्नेशन, जितने भी लॉयर दोज वर वर्किंग अंडर ब्रिटिश कोर्ट दे गिव द रेजिग्नेशंस। तो ये चीज़ें रिपीट हुई थी। तो उसी दौरान सुभाष चंद्र बोस ने भी जो ब्रिटिश का जो ये सिविल सर्वेंट पद था उसको छोड़ दिए थे बिकॉज ऑफ द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, एंड ही आल्सो पार्टिसिपेट इन द नॉन कोऑपरेशन। देन एक घटना हुई थी 1939 में, ही वाज इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रेसिडेंट बने थे। एट इट हरिपुरा सेशन में उनको प्रेसिडेंट बनाया गया था, एंड एक मिनट, उसके बाद देखो हरिपुरा सेशन में उनको प्रेसिडेंट बनाया गया था। देन इन 1939 एंड अगेन ही वाज द प्रेसिडेंट ऑफ त्रिपुरा इन 1938 में हरिपुरा सेशन का बने थे 1938 में. Then again in the year 1939 he was elected the president of its Tripura. दोबारा से 1939 में उनको प्रेसिडेंट बनाया गया था. बट एक मिनट, ओके देखिए तो 1938 में क्या था, हरिपुरा सेशन में 1939 में दोबारा उनको प्रेसिडेंट बनाया गया. तो दोबारा जब बनाया गया था, देखो गांधी जी का जो प्रिंसिपल था नॉन वायलेंस और सुभाष चंद्र बोस का था वायलेंस. उनका मानना था कि आज़ादी हमें ब्रिटिशर को भीख में, मतलब भीख में हमें आज़ादी नहीं चाहिए और ब्रिटिशर के खिलाफ हम गिड़गिड़ाएंगे नहीं, जरूरत पड़ा तो उनके खिलाफ लड़ेंगे, उनको खदेड़ेंगे, भारत से मतलब विदा करेंगे कंप्लीटली. और आज़ादी ऐसा एक चीज़ है, आप रिक्वेस्ट करोगे, सेल्फ गवर्नमेंट की डिमांड करोगे, स्वराज की डिमांड करोगे, डोमिनियन स्टेटस की डिमांड करोगे, तो वो ये सब देंगे बट पूर्ण स्वराज, कंप्लीट इंडिपेंडेंट कभी नहीं देंगे. हालांकि उनका जो एटीट्यूड था ब्रिटिशर्स का, दुश्मन का, उनको पूरा नस, उनका नस पता था कि ये लोग ऐसे जाने वाले नहीं हैं. चाहे वो सेल्फ गवर्नमेंट दे सकते हैं, स्वराज दे सकते हैं, डोमिनियन स्टेटस दे सकते हैं, बट पूर्ण स्वराज कभी नहीं देंगे. बट महात्मा गांधी ये चीज़ें समझ नहीं पा रहे थे. महात्मा गांधी को लग रहा था कि उनसे रिलेशनशिप अच्छा करेंगे, ब्रिटिशर के साथ अच्छे से बर्ताव करेंगे, नॉन वायलेंस करेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे तो धीरे धीरे हम आज़ादी करके चले जाएंगे. अरे बेटा पूरा देश को कम, जो 400 साल से पूरे वर्ल्ड को रूल कर रहे हैं ब्रिटिशर्स, पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड में वो छाए हुए थे, मोर देन 70 कंट्रीज को वो ऑलरेडी रूल कर चुके हैं, तो भारत को ऐसे कैसे छोड़ के चले जाएंगे. तो महात्मा गांधी दुश्मन को समझने में उनको मुश्किल हो रहा था. बट सुभाष चंद्र बोस उनका नस को पकड़ लिए थे, मतलब ब्रिटिशर का इंटेंशन को उनको पता चल गया था. उनको पता चल गया था कि ब्रिटिशर ऐसे जाने वाले नहीं है, उनको भगाना ही पड़ेगा. दैट्स वाई ही वॉज नॉट द सपोर्टर ऑफ महात्मा गांधी. गांधी जी का जो प्रिंसिपल, हालांकि गांधी जी को बहुत रेस्पेक्ट करते थे, ऐसे बात नहीं है, गांधी जी को बहुत रिगार्ड्स था, बहुत रेस्पेक्ट करते थे, बट उनका जो फिलोसॉफिकल जो थॉट है उसको वो सपोर्ट नहीं करते थे. क्योंकि गांधी जी का जो फिलोसॉफी था बेटा, जो नॉन वायलेंस था, वो सब लोग सपोर्ट नहीं कर रहे थे. इनफैक्ट आज के डेट में कई लोग ऐसे हैं जो कि गांधी जी का नॉन वायलेंस वाला नीति को फॉलो नहीं करते हैं. मतलब टीट फॉर टैट, जैसा को तैसा. मतलब यहाँ पर सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, ये सब का पर्सनालिटी ऐसा था कि उनको ब्रिटिशर को भगाना है, खदेड़ना है, निकालना है, तब जो है भारत को आज़ाद मिलेगा, ऐसे ही वो लोग नहीं देंगे कभी. तो ये एक अच्छी सोच थी. बट जब सुभाष चंद्र बोस को दोबारा इलेक्ट किया गया त्रिपुरा सेशन में एज ए प्रेसिडेंट ऑफ INC, महात्मा गांधी ने स्ट्रांगली अपोज किए थे सुभाष चंद्र बोस को. और एक बड़े पैमाने पर लीडर महात्मा गांधी जैसे लोग सुभाष चंद्र बोस को अपोज किए थे. ये चीजें सुभाष चंद्र बोस को अच्छा नहीं लगा था, मतलब पर्सनल लेवल पे वो हर्ट हुए थे. एंड ही डिसाइडेड टू गिव रेजिग्नेशन फ्रॉम द प्रेसिडेंसी ऑफ INC. एंड उन्होंने डिसाइड किया और INC के पद से रिजाइन दे दिया था. और उस टाइम पे सुभाष चंद्र बोस के अपोज में खड़े थे राजेंद्र प्रसाद, जो कि महात्मा गांधी के ही कैंडिडेट थे. तो आफ्टर द स्ट्रॉन्ग अपोजिशन ऑफ महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस गिव रेजिग्नेशन फ्रॉम द पोस्ट ऑफ द INC, फ्रॉम द पोस्ट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस, एंड ही फॉर्म्ड ए सेपरेट पार्टी. उस पार्टी का नाम है फॉरवर्ड ब्लॉक. ये जो सेपरेट पार्टी है उस पार्टी का नाम बना था फॉरवर्ड ब्लॉक इन द ईयर 1939 में. ध्यान रखना, इन द ईयर 1939 में, ठीक है. बट ही हैड रिजाइन फ्रॉम त्रिपुरी, a small village in a district जबलपुर ऑफ मध्य प्रदेश ड्यू टू द डिफरेंस विद गांधी जी, तो उन्होंने वहां से रिजाइन कर दिया था। एंड जो त्रिपुरी है एक स्मॉल डिस्ट्रिक्ट, इन स्मॉल डिस्ट्रिक्ट जबलपुर डिस्ट्रिक्ट के मध्य प्रदेश, जबलपुर है मध्य प्रदेश में, तो वहां से उन्होंने अपने रिजाइन कर दिया था और उन्होंने शुरुआत कर दी थी फॉरवर्ड ब्लॉक। एंड इन 1941 ही एस्केप टू बर्लिन टू मीट हिटलर। 1941 में उस टाइम पे सेकेंड वर्ल्ड वॉर का युद्ध चल रहा था, पूरे वर्ल्ड में पूरा मातम चल रहा था, पूरे वर्ल्ड में पूरा लड़ाई चल रही थी। तो हिटलर के पास गए थे, और हिटलर के बारे में तो मैंने बताया है सेशन में, वर्ल्ड वॉर टू देखी है, ज़बरदस्त तरीके से मैंने हिटलर के बारे में बताया टोटल में। तो हिटलर जो है, ही वांटेड टू नॉट ओनली कैप्चर जर्मनी, नॉट ओनली कैप्चर यूरोप, एंड ही वांटेड टू कैप्चर ऑल ओवर द वर्ल्ड। उसको पूरा यूएसए पे कैप्चर करना था, रशिया पे कैप्चर करना था, उसको मतलब अपने इंग्लैंड पे कैप्चर करना था, फ्रांस पे कैप्चर करना था, बुल्गारिया, तो ये पोलैंड, ये सारे एरिया पे उसको कैप्चर करना था, एंटायर वर्ल्ड पे कैप्चर करना था उसको। ही वांटेड, मतलब वो अपना नस को पूरे वर्ल्ड में फैलाना चाहता था, पूरा अपना धुन में था हिटलर। हालांकि हिटलर के साथ गए थे, वार्तालाप किए थे सुभाष चंद्र बोस, बट हिटलर पूरी तरह से अपने धुन में था, जिनमें कुछ ज़्यादा कुछ बात नहीं बन पाई थी। केवल जर्मन हिटलर इतना कहा कि मैं सपोर्ट करूंगा आप लोगों को। सच बताऊं तो सुभाष चंद्र बोस बहुत बड़े पर्सनालिटी हैं, बट थोड़ा सा किस्मत ने उनको साथ नहीं दिया था। मैंने टोटल, एज आई एम फ्रॉम ऑल्सो ओडिशा, तो मैंने पूरे डिटेल में सुभाष चंद्र बोस के बारे में स्टडी की है, पूरा डिटेल इन डेप्थ स्टडी की है। एज ही इज ऑल्सो वन ऑफ माई फेवरेट कैरेक्टर, फेवरेट फ्रीडम फाइटर, यू कैन से फ्रीडम लीडर और फेवरेट फ्रीडम फाइटर। तो उनके बारे में इन डेप्थ स्टडी की है, और हिटलर के बारे में भी, एक मतलब इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है वर्ल्ड का, तो उनके बारे में मैंने थोड़ा सा इन डेप्थ स्टडी की है। देखिए, तो सुभाष चंद्र बोस को मैं ये बोलता हूँ किस्मत ने साथ नहीं दिया, अदरवाइज आज के डेट में होते, मतलब उस टाइम पे जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, सरदार पटेल, ये सब लीडर से वो टॉप क्लास के लीडर थे, हाई लेवल का लीडर थे, बट थोड़ा सा किस्मत ने उनको साथ नहीं दिया था, और उस टाइम पे लोगों का टेम्परामेंट को वो जज नहीं कर पाए थे, तो इसलिए थोड़ा सा कम हो गए, बट अदरवाइज वो भारत के नंबर 1 लीडर में से काउंट होते। देखिए जो चीजें क्या उसके साथ किस्मत ने कैसे साथ नहीं दिया था, देखिए यहाँ पर इस तरह का, जब से कि उनका पॉपुलैरिटी धीरे धीरे बढ़ते जा रहा था, तो महात्मा गांधी ने पूरी तरह से अपोज किए, जिसकी वजह से आईएनसी को छोड़ना पड़ा था। वो सिविल सर्वेंट बने थे 1920 में, महात्मा गांधी ने 20 से 22 को अपना नॉन कोऑपरेशन आंदोलन स्टार्ट कर दिया, उनको रिजाइन 1 साल के अंदर जॉब रेजिग्नेशन देनी पड़ी थी। देन यहाँ पर वो गए थे 1941 में बर्लिन, जर्मनी, हिटलर को मिले भी थे पर्सनली, हिटलर जानते थे, हिटलर को भी जानते थे और हिटलर भी उसको जानते थे, और हिटलर ने यहाँ तक कि माफ़ी भी मांगी थी सुभाष चंद्र बोस के सामने, क्योंकि इंडिया के बारे में खराब शब्द कहे थे उन्होंने, तो माफ़ी भी मांगी थी। एंड बट जैसे ही हिटलर के पास गए, तो हिटलर तो धुन, अपने धुन पे था, पूरा वर्ल्ड को कैप्चर करना था, और उन्होंने सोचा कि जर्मन अगर सपोर्ट नहीं भी कर पाता है तो मैं जाता हूं रशिया के पास। रशिया के साथ भी उनका बहुत अच्छा संपर्क था, और जैसे ही वो रशिया जाने वाले थे, बीच में हिटलर ने रशिया के ऊपर आक्रमण कर लिया, जर्मनी ने रशिया के ऊपर आक्रमण कर लिया। तो उसका मतलब देखो, अगर जर्मनी रशिया के ऊपर आक्रमण कर रहा है तो बेटा ऑटोमेटिकली रशिया जो है जर्मन के खिलाफ हो जाएगा, और जर्मन के जो खिलाफ होगा वो ब्रिटिशर को सपोर्ट करेगा, और जो ब्रिटिशर को सपोर्ट करेगा वो हमें सपोर्ट नहीं करेगा। हालांकि देखो इंडिया और रशिया का बहुत अच्छा रिलेशनशिप है, नो डाउट अबाउट दैट, बट ट्राई टू अंडरस्टैंड माय पॉइंट। अब बेटा ब्रिटिशर को भारत से भगाना है तो ब्रिटिशर का दुश्मन ही हमें सपोर्ट करेंगे ना, जैसे कि जापान सपोर्ट कर सकता है, जैसे कि इटली सपोर्ट कर सकता है, जैसे कि जर्मनी सपोर्ट कर सकता है, बुल्गारिया, ऑस्ट्रेलिया, ये सब सपोर्ट कर सकता है। तो जो ब्रिटिशर को सपोर्ट कर रहे हैं सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, लाइक फ्रांस है, अब रशिया भी सपोर्ट करने लगा, यूएसए, ये सब लोग उस टाइम पे तो सपोर्ट नहीं करेंगे हमें। तो यहाँ पर रशिया, इनिशियली रशिया वाज नॉट पार्ट ऑफ द सेकेंड वर्ल्ड वॉर, बट रशिया जैसे ही हिटलर जाने वाले थे तो जर्मनी ने रशिया के ऊपर हमला कर दिया था और जर्मनी हमला करने के कारण वो जर्मनी के खिलाफ हो गया रशिया, और रशिया सपोर्ट करने लगा ब्रिटेन को। और जब रशिया सपोर्ट करने लगा ब्रिटेन को तो वो तो हमें नहीं करेगा, इंडिया को, तो बीच में वो रास्ता भी बंद हो गया। फिर फाइनली गए थे जापान को और जापान में अपना आर्मी बनाया था। और जैसे ही जापान में अपना आर्मी बनाए थे, उन्होंने नारा दे चुके थे दिल्ली चलो, तो तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, जय हिंद, ये नारा। जो मैंने आप लोगों को सवाल किया था कि कौन कौन से नारा सुभाष चंद्र बोस दिए थे, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, जय हिंद। हाँ, तो मैं बात कर रहा था और दिल्ली चलो, तो मैं बात कर रहा था जैसे ही जापान में अपना आर्मी सारा सेट किए थे और उनका आर्मी लाने ही वाले थे इंडिया में, उनका अचानक से डेथ हो गया था, प्लेन क्रैश हो गया था ऑफिशियल। हालांकि उनका डेथ के बारे में कई सारी कंट्रोवर्सी हैं। कुछ लोग मानते हैं, कुछ रिपोर्टर मानते हैं, कुछ हिस्टोरियन मानते हैं कि वो उस टाइम पे जिंदा थे, अपने आप को खुद ही फेक रिपोर्ट बताया था। तो ये बहुत सारी कहानियाँ उनके डेथ से जुड़ी है, ठीक है, मैं बताऊंगा उनके डेथ से कहानियाँ कैसे कैसे जुड़ी है, कि अलग अलग रिपोर्टर का अलग अलग व्यूज़ है, अलग अलग हिस्टोरियन का अलग अलग व्यूज़ है अबाउट इट, बट ऑफिशियल रिपोर्ट जो है उनका प्लेन क्रैश हुआ था, ठीक है। तो ये जो है किस्मत ने साथ नहीं दिया। सिविल सर्वेंट होने के बाद रेजिग्नेशन, प्रेसिडेंट होने के बाद फिर से रेजिग्नेशन, देन अगेन जर्मनी गए थे, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में वो बिजी था, रशिया के जाने वाले थे वहाँ पर वो बिजी था, फिर जापान गए थे आर्मी बनाए थे, फिर आने वाले थे, वहाँ पे किस्मत साथ नहीं दिया। तो बेसिकली उनको किस्मत ने थोड़ा सा साथ नहीं दिया था, अदरवाइज ही इज कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ द ग्रेटेस्ट लीडर। देखो, इन जर्मनी द इंडियन कम्युनिटी हेल्ड हिम as नेताजी and greet him with the slogan जय हिंद। देखो, जर्मनी में उनको पूरा ज़बरदस्त तरीके से स्वागत भी किया गया था एंड उनको नेताजी के हिसाब से संबोधित किया गया। आज के डेट में भी नेताजी कहा जाता है एंड जो स्लोगान लगा था जय हिंद, ध्यान रखना। तो जय हिंद, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, गिव मी ब्लड आई विल गिव यू फ्रीडम एंड दिल्ली चलो, ये तीनों स्लोगान दैट वाज गिवन बाय सुभाष चंद्र बोस। फ्रॉम बर्लिन रेडियो ही रेगुलरली ब्रॉडकास्ट टू इंडियन अर्जिंग हिम कंट्रीमैन टू राइज अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स। बर्लिन ने भी पूरी तरह से उनको सपोर्ट किया था, ऐसे बात नहीं कि सपोर्ट किया था पूरी तरह से। और वहाँ के जो ब्रॉडकास्ट में उस टाइम पे तो बेटा टीवी चैनल थे नहीं, ब्रॉडकास्ट ही हुआ करते थे, तो वहाँ पे ही अपने देशवासियों को वो संबोधन करते थे ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ किस तरह से लड़ा जाए उसके बारे में। एट द टाइम रास बिहारी बोस वॉज बिजी इन ऑर्गेनाइजिंग ए नोटेबल ऑर्गेनाइजेशन इन द नेम ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंट लीग इन जापान टू हेल्प द एंड ऑफ द ब्रिटिश रूल इन इंडिया। तो सेम उसी प्रकार जो इंसिडेंट है, रास बिहारी बोस, ठीक है, वो एक ऑर्गेनाइजेशन का गठन कर रहे थे जिसका नाम है इंडियन इंडिपेंडेंट लीग, IIL जिसको कहा जाता है, इंडियन इंडिपेंडेंट, कहाँ पे, जापान पे कर रहे थे, जो कि ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ वो बना रहे थे अपना आर्मी। एंड रास बिहारी बोस कन्वर्टेड टू कॉन्फ्रेंस ऑन एट टोक्यो इन मार्च 1942 एंड द सेकेंड इज बैंकॉक इन जून 1942। तो एंड रास बिहारी बोस का भी काफ़ी बड़ा योगदान रहा है भारत के इतिहास में। तो उन्होंने एक दो कॉन्फ्रेंस की थी 1942 में टोक्यो में मार्च के महीने में और जून के महीने में बैंकॉक में। एंड द रिवोल्यूशनरी असेंबल्ड इन द कॉन्फ्रेंस डिसाइडेड टू फॉर्म एन इंटरनेशनल आर्मी आज़ाद हिंद फोर्स फॉर द लिबरेशन ऑफ इंडिया फ्रॉम द ब्रिटिश रूल। तो यहाँ पर जो इंडियन नेशनल आर्मी है, आज़ाद हिंद फौज है, कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट करेंगे और उनको किस तरह से मोटिव किया जाएगा, ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ किस तरफ से लड़ेंगे, उस चीज़ों के बारे में बातचीत होगी। देखो, एक चीज़ अगर यहाँ पर बहुत बच्चे गलत करते हैं कि अगर पूछा जाए INA के फाउंडर कौन है तो बहुत लोग सुभाष चंद्र बोस को मारते हैं या फिर रास बिहारी बोस को क्लिक करते हैं। ध्यान रखना, INA का जो गठन किए थे वो है कैप्टन मोहन सिंह, ही वाज द फाउंडर ऑफ द INA, ठीक है, ध्यान रखना। ये जो है कैप्टन मोहन सिंह वाज द फाउंडर ऑफ INA एंड प्राइमरीली रेस्पॉन्सिबल फॉर द रेजिंग ऑफ आर्मी। एंड इंडियन नेशनल आर्मी वाज ओरिजिनली फाउंडेड बाय कैप्टन मोहन सिंह इन सिंगापुर ऑन सितंबर 1942 विथ जापान इंडियाज POWs। देखो, तो आईएनए का अगर पूछा जाए कि वह द फाउंडर, तो होगा इंडियन नेशनल आर्मी का फाउंडर होंगे कैप्टन मोहन सिंह। कहाँ पे? सिंगापुर में। कब? सितंबर 1949। ये चीजें ध्यान रखें। सुभाष चंद्र बोस या रास बिहारी बोस नहीं है। बाद में सुभाष चंद्र बोस जो है प्रेसिडेंट बने थे, बट पहला जो कहा गया कि फाउंडर कौन है, तो बेटा कैप्टन मोहन सिंह होगा। जनरल तोजो, the Japan Prime Minister, made a declaration in the Diet support of Indian independence। मतलब जो जनरल, जो जापान के प्रधानमंत्री थे तोजो ने यहाँ तक भी कह दिया था कि वो पूरी तरह से इंडियन इंडिपेंडेंस में सपोर्ट करेंगे इंडिया को। किसके खिलाफ? ब्रिटिश के खिलाफ। एंड बट बियॉन्ड द जापानीज वर द ओनली प्रिपेयर्ड टू ट्रीट द INA एज ए सब्सिडरी फोर्सेस रेदर देन एन एलाइड फोर्सेस। मतलब INA को अगर सेकेंड वर्ल्ड वॉर में पार्टिसिपेट अगर नहीं भी करते हैं तो भी एक अलग लेवल पे उनको जो है समर्थन किया जाएगा। एज मोहन सिंह इंस्टीट्यूट एंड ऑटोनोमी एंड एलाइड स्टेटस ही वाज रिमूव्ड फ्रॉम द कमांडर एंड पुट अंडर द अरेस्ट। मोहन सिंह इंसिस्टेड एंड ऑटोनोमी एंड एलाइड स्टेटस, उनको अलग से स्टेटस चाहिए था, इसलिए उनको ही वाज रिमूव्ड फ्रॉम द कमांडर अंडर एंड अरेस्ट कर दिया गया। रास बिहारी बोस ट्राइज टू होल्ड द बैनर फॉर सम टाइम बट ही वाज देन टू एजेड फॉर द टास्क। आफ्टर द कैप्टन मोहन सिंह, रास बिहारी बोस उस चीज़ को संभाले थे, उसके बाद जो है उनका एज होने की वजह से उनको हटा दिया गया। एंड इन जुलाई एट द मीटिंग एट सिंगापुर, रास बिहारी बोस हैंडेड ओवर द कंट्रोल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन टू सुभाष चंद्र बोस। ध्यान रखना, तो पहले जो है कैप्टन मोहन सिंह आए थे, उसके बाद जो है रास बिहारी बोस, उनका एज ज़्यादा हो रहा था, उसके बाद आए थे सुभाष चंद्र बोस। किसको संभालने के लिए? आज़ाद हिंद फौज, इंडियन नेशनल आर्मी को। तो सुभाष चंद्र बोस द प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल आर्मी एज वेल एज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंट लीग। तो सुभाष चंद्र बोस जो दोनों लीग था, एक है इंडियन नेशनल आर्मी INA आज़ाद हिंद फौज, और एक है इंडियाज इंडिपेंडेंट लीग। दोनों का प्रेसिडेंट का पद में सुभाष चंद्र बोस रहने लगे। एंड एड्रेसिंग ए ह्यूज मीटिंग इन द सिंगापुर ऑन 4 जुलाई 1943, रास बिहारी बोस सेड, इन योर प्रेजेंस टुडे आई रिजाइन माय ऑफिस एंड अपॉइंट दास सेवक सुभाष चंद्र बोस एज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंट लीग। तो यहाँ पर 4 जुलाई 1943 में सुभाष चंद्र बोस को इंडियन इंडिपेंडेंट लीग का प्रेसिडेंट चूज किया गया। ग्रेजुअली द नंबर ऑफ INA men began to grow greatly. Assuming the commander of INA, he gave the famous battle cry, दिल्ली चलो। तो जैसे ही सुभाष चंद्र बोस संभाले थे, लीडरशिप की थी, तो जो आर्मी के लोग थे, INA के जो लोग थे, उनका संख्या बढ़ गया धीरे धीरे, और उन्होंने स्लोगान दिया था दिल्ली चलो। दिल्ली चलो मतलब इंडियन आर्मी जो जापान में थे, जो आउटसाइड द कंट्री थे, उनको दिल्ली आना था और ब्रिटिशर को खदेड़ना था, भगाना था। उसका मतलब ये है कि दिल्ली चलो। देखो, बोस वाज एबल टू रिकॉग्नाइज द फ्लेडिंग आर्मी एंड ऑर्गेनाइज द मैसिव सपोर्ट एमंग द एक्सपर्टाइज इंडियन पॉपुलेशन इन साउथ ईस्ट एशिया। साउथ ईस्ट एशिया में भी उनको पूरी तरह से समर्थन मिला था, साउथ ईस्ट एशिया जापान की तरफ। एंड हु लर्न्ड देयर सपोर्ट बाय बोथ द एनलिस्टिंग इन द इंडियन नेशनल आर्मी एज वेल एज फाइनेंशियली। इन रेस्पॉन्स बोस कॉल फॉर द सेक्रीफाइस ऑफ द नेशनल कॉज। मतलब यहाँ पर उन्होंने पूरी तरह से सबको एक तरफ से डिक्लेयर किया था कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजाद दूंगा। गिव मी ब्लड, I'll give you freedom। ये कब? बर्मा। इन जुलाई 4, 1944 में ये स्लोगान दिया गया था बर्मा में। साउथ ईस्ट एशिया ने भी पूरी तरह से सपोर्ट किया था, बर्मा वगैरह ये जो कंट्री थे पूरी तरह से सपोर्ट किया था। वहाँ पर डिक्लेरेशन थे। जब भारत स्वतंत्रता के लिए संघर्ष था और नेताजी आज़ाद हिंद फौज के लिए सक्रिय थे, तब आज़ाद हिंद फौज में भारतीय होने आए सभी युवक युवती को संबोधित करते हुए नेताजी ने, सुभाष चंद्र बोस ने कहा, तो मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पर सिंपल सी बात की गई है। उनका जो स्लोगान था, गिव मी ब्लड आल गिव यू फ्रीडम, तो मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। ये बर्मा में कहे गए थे जुलाई 4 में 1944 में। और ही सेटअप 2 INA हेडक्वार्टर, इंडियन नेशनल आर्मी का 2 हेडक्वार्टर उन्होंने सेटअप किया था, एक इन रंगून एंड वन इज इन सिंगापुर, एक रंगून में और एक है सिंगापुर में। एंड Andaman and Nicobar Island were captured by the Japanese and handed over by them to INA. तो Andaman Nicobar Island को capture Japanese किए थे, उसके बाद उसको INA को दे दिया गया। Andaman was named as the Shahid Deep and Nicobar was the Swaraj Deep. तो Andaman को Shahid Deep और Nicobar को Swaraj Deep कहा गया। Tricolor flag was hosted on 30th December 1943. जो तिरंगा पताका है, ट्राइकलर फ्लैग उसको फहराया गया था 13 दिसंबर 1943 में। They captured many parts of British India and seized Impal but failed miserably. ठीक है, उन्होंने ब्रिटिश का कई सारे पार्ट को कैप्चर किया था एंड सीज इम्फाल, इम्फाल को सीज कर दिया था बट फेल्ड मिजरेबली, हार भी गए थे। In his address on Singapore Radio 6 July 1944, he has addressed Mahatma Gandhi as the father of the nation. तो जो महात्मा गांधी को आज जो टाइटल मिलता है फादर ऑफ द नेशन, राष्ट्रीय पिता, तो दिस वाज गिवन बाय सुभाष चंद्र बोस। ये चीजें, ये पॉइंट ध्यान रखना कि 6 जुलाई 1944 में सिंगापुर में सुभाष चंद्र बोस ने एड्रेस किए थे महात्मा गांधी एज ए फादर ऑफ द नेशन, राष्ट्रीय पिता जिसको बोलते हैं, फादर ऑफ द नेशन का टाइटल मिला था महात्मा गांधी को और दिस वाज गिवन बाय सुभाष चंद्र बोस। देखिए तो यहाँ पर देखो, नो डाउट कि देयर वाज कन्फ्लिक्ट बिटवीन महात्मा गांधी एंड सुभाष चंद्र बोस, मतलब अंदर ही अंदर कोल्ड वार चल रहा था, बट फिर भी सुभाष चंद्र बोस का ग्रेटनेस देखिए, वो उनका रिगार्ड्स, उनका रेस्पेक्ट महात्मा गांधी के प्रति कम नहीं हुआ था। और सुभाष चंद्र बोस जब प्रेसिडेंट भी बने थे, उन्होंने 4 फाइटिंग ब्रिगेड्स बनाया था। एक है गांधी फाइटिंग ब्रिगेड्स, दूसरा है नेहरू फाइटिंग ब्रिगेड्स, तीसरा है सुभाष फाइटिंग ब्रिगेड्स और चौथा है रानी लक्ष्मीबाई फाइटिंग ब्रिगेड्स। तो गांधी, नेहरू एंड सुभाष फाइटिंग ब्रिगेड जो है वो, मतलब दैट इज फॉर द मेल, और जो रानी लक्ष्मीबाई फाइटिंग ब्रिगेड्स था दैट इज ओनली एक्सक्लूसिवली फॉर द वुमेन, महिलाओं के लिए था। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि चाहे जितना भी कोल्ड वॉर अंदर ही अंदर चलता रहे सुभाष चंद्र और महात्मा गांधी के बीच में, बट एक रेस्पेक्ट जो है सुभाष चंद्र बोस का हमेशा गांधी जी के प्रति था। देखो सुभाष चंद्र बोस का जो डेथ है ये बहुत बड़े लेवल पे कंट्रोवर्सी है, जैसे कि कुछ रिपोर्टर मानते हैं, ऑफिशियल रिपोर्ट तो ये है बेटा प्लेन क्रैश, बट कुछ लोग ऐसे भी मानते हैं कि सुभाष चंद्र बोस ने खुद से प्लेन क्रैश करवाए थे और वो छिप कर रह गए थे। दूसरा प्रेडिक्शन ये है कि वो तिब्बत एरिया में जिंदा थे और गुमनामी बाबा के हिसाब से रहते थे, क्योंकि उनका जो आंखें और उनका जो हैंडराइटिंग, जो गुमनामी बाबा थे उनका जो आंखें और हैंडराइटिंग जो है कंप्लीटली सुभाष चंद्र बोस से मैच करता था। और कुछ लोग तो ये तक भी कहते हैं, जर्मनी जो उनकी वाइफ थी, जर्मनी की लड़की से शादी किए थे, उनकी वाइफ सुभाष चंद्र बोस को मिलने आती थी बीच बीच में, ये भी कुछ लोगों ने कहा है। और सुभाष चंद्र बोस, ये माना जाता है कि जो प्लेन क्रैश हुआ था वहां पर 4 लोग थे, तो 3 लोग, बाकी जो 3 दोस्त थे उनको खरोंच तक भी नहीं आया था, थोड़ा सा हल्का सा खरोंच तक भी नहीं आया था, और सुभाष चंद्र बोस को रिपोर्ट दिया गया कि उनका डेथ हो गया था। तो ये भी कुछ लोगों में एक तरफ से मतलब डाउट करने लगे कि ये कैसे पॉसिबल है कि प्लेन क्रैश हुआ है और सुभाष चंद्र बोस अकेले का डेथ हो जाता है और बाकी सब तीनों दोस्त को खरोंच तक भी नहीं आता, तो ये कैसे पॉसिबल है, तो ये भी कुछ लोग डाउट कर रहे थे। तो कुछ लोग ये मानते हैं कि ब्रिटिश गवर्नमेंट इस तरह से उनके पीछे पड़ा हुआ था कि सुभाष चंद्र बोस अपने आप का आइडेंटिफिकेशन को छुपाकर वो रहने लगे थे। बट व्हाटएवर मे बी, जो भी हो, बट ऑफिशियल रिपोर्ट के हिसाब से हम लोग जाएंगे, दिस आर द कंट्रोवर्सी, ऑफिशियल रिपोर्ट के हिसाब से जाएंगे कि सुभाष चंद्र बोस का डेथ हुआ था प्लेन क्रैश में डेथ हुआ। अभी तो हाल ही में रिपोर्ट आया था हिस्ट्री चैनल के हिसाब से, तो ऐसा कोई प्लेन ही नहीं छोड़ा गया था, ऐसा ही कोई प्लेन ही नहीं छोड़ा गया था जिस प्लेन को क्रैश की बात होती है न्यूज़ में। एनी वे व्हाटएवर मे बी द रीजन, बट नाउ द ऑफिशियल रिपोर्ट इज प्लेन क्रैश। ठीक है, द रानी, देखो द रानी ऑफ झांसी रेजिमेंट, मतलब रानी ऑफ झांसी रेजिमेंट, मतलब जो फाइटिंग ब्रिगेड्स, रानी लक्ष्मीबाई फाइटिंग ब्रिगेड्स, द रानी ऑफ झांसी रेजिमेंट वाज द वुमेन रेजिमेंट ऑफ इंडियन नेशनल आर्मी, ये महिलाओं के लिए केवल था, दिस इज एक्सक्लूसिवली फॉर द वुमेन। और मैंने बताया था कि गांधी फाइटिंग ब्रिगेड्स, नेहरू फाइटिंग ब्रिगेड्स एंड सुभाष फाइटिंग ब्रिगेड, दैट इज फॉर द मेल। द यूनिट वॉज नेम्ड द रानी ऑफ झांसी रेजिमेंट आफ्टर द लक्ष्मीबाई, रानी लक्ष्मीबाई, उनके नाम पे। रानी लक्ष्मीबाई सब लोग आप लोग जानते होंगे, ड्यूरिंग द टाइम ऑफ 1857, 1857 की क्रांति, जो रिवोल्ट ऑफ 1857, जिसको फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंट भी कहा जाता है, स्वतंत्रता की प्रथम लड़ाई उन्होंने लड़ी थी। खूब लड़ी मर्दानी वाली वो तो झांसी वाली रानी थी, आपने सुना होगा, जिसमें उस टाइम पे तांतिया टोपे, कुंवर सिंह, सुरेंद्र साय, उज्जवल सिंह, मंगल पांडे, तो ये सब जो है टॉप लेवल के लीडर उस टाइम पे प्रोटेस्ट किए थे रिवोल्ट ऑफ 1857 में। मैंने बनाया वीडियो, बेहतरीन वीडियो है, आप देख सकते हो, ठीक है। रिवोल्ट ऑफ 1857 में सारा चीज़ मैंने बताया था। एनीवे, द लक्ष्मी सहगल 24 अक्टूबर 1914 से लेकर 23 जुलाई 2012 was a revolutionary of the Indian independent movement, one of the revolutionary of the Indian independent movement and officer of the Indian National Army, और एक ऑफिसर भी रहते, and the minister of the women affairs in the Azad Hind government, तो मिनिस्टर के हिसाब से भी रहते। एंड सहगल इज कॉमनली रिफर टू इन इंडिया एज द कैप्टन लक्ष्मी, कैप्टन लक्ष्मी के हिसाब से जाने जाते हैं, एंड रेफरेंस टू हर रैंक when taken prisoner in Burma during the Second World War, ठीक है, reference to her rank when taken prisoner during Burma, prisoner in Burma during the Second World War में prison किया गया था। तो ये जो मैंने बताया था total summary about the today I have discussed about कि Indian National Army, ठीक है, Indian National Army के बारे में मैंने total बात की है आज, ठीक है, all about the सुभाष चंद्र बोस। तो सिंपली याद रखना है कि सुभाष चंद्र बोस फर्स्ट सिविल सर्वेंट है, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट की वजह से 1921 में रेजिग्नेशन दे दिया था, 39 में आईएनसी के प्रेसिडेंट थे, 39 में अगेन री इलेक्टेड हुए थे, तो 38 वाला जो है हरिपुरा और त्रिपुरी जो है मध्य प्रदेश में है, 39 में रेजिग्नेशन दिया था और फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन किया था 1939 में। बाद में फॉरवर्ड ब्लॉक जाके आईएनए में शामिल हो गया था और 1941 में उन्होंने हिटलर के साथ मुलाकात की थी, वहाँ पे उनको नेताजी का टाइटल मिला था, जय हिंद भी कहा गया था। देन अगेन उसके बाद जो है रास बिहारी बोस जो है टोक्यो और बैंकॉक में दोनों जगह पर अपना बनाए थे, एंड उसके साथ साथ कैप्टन मोहन सिंह आईएनए का गठन किए थे। उसके बाद जो है आईएनए को संभालने वाले रास बिहारी बोस, देन उसके बाद उसको संभाले थे सुभाष चंद्र बोस ने, उनको संभाले थे आईएनए को। देन अगेन कि रास बिहारी बोस ने भी 4 जुलाई 1943 में सुभाष चंद्र बोस को कम्प्लीटली दे दिया था, और सुभाष चंद्र बोस ने जो नारा दिए थे, दिल्ली चलो का नारा दिए थे, उसके साथ उनका और एक फेमस नारा था, गिव मी ब्लड आई विल गिव यू फ्रीडम, बर्मा में जुलाई 4, 1944 में दिए थे उन्होंने। देन उसके साथ साथ आईएनए का दो हेडक्वार्टर बना था, एक रंगून, एक सिंगापुर। देन अंडमान निकोबार आइलैंड वर कैप्चर बाय द जापानीज एंड हैंडेड ओवर टू देम टू द आईएनए। अंडमान का नाम दिया गया था शहीद द्वीप और निकोबार का दिया गया था स्वराज द्वीप। ट्राइकलर फ्लैग को होस्ट किया गया था 13 दिसंबर 1943 में। देन उसके बाद है महात्मा गांधी को फादर ऑफ द नेशन टाइटल दिए थे सुभाष चंद्र बोस में, कब, 6 जुलाई 1944 में एट सिंगापुर रेडियो में उन्होंने कहा था। देन अगेन कि जो 4 फाइटिंग ब्रिगेड्स बनाए थे सुभाष, नेहरू एंड गांधी एंड रानी लक्ष्मीबाई, तो ये था रानी लक्ष्मीबाई के बारे में, ठीक है। सो हियर वी रैप अप द सेशन। थैंक यू ऑल, हैव ए नाइस डे, टेक केयर। और कल मैं पढ़ाऊँगा कैबिनेट मिशन के बारे में। एक्चुअली ये टॉपिक मैं थोड़ा सा बीच में जिस दिन मैं कर रहा था उस दिन थोड़ा सा टेक्निकल गड़बड़ी आ गई थी आईएनए के टाइम पे, जब क्रिप्स मिशन मैंने पढ़ाया था, तो इसलिए मैं ये टॉपिक को थोड़ा सा मैंने बाद में कर दिया आईएनए। हालांकि क्रिप्स मिशन के साथ मैं आईएनए को करने वाला था, इंडियन नेशनल आर्मी को, तो बीच में उस दिन टेक्निकल गड़बड़ी हो गई थी, तो उस दिन ये टॉपिक छूट गया था, तो मैंने आज ये टॉपिक आईएनए को ख़त्म कर दिया है। अगले क्लास में मैं करूँगा आप लोगों का कैबिनेट मिशन, ठीक है बेटा। So thank you all, have a nice day, GST, good night, sweet dream and take care.